चक्र तीर्थ में नदी के अल्हड़पन उसकी खुशी को महसूस किया जा सकता है। आखिर गोदावरी नासिक शहर में आने वाली थी। पंचवटी जैसे तीर्थ से होकर गुजरने वाली थी। नदी को मदद चाहिए थी, पानी का प्रवाह चाहिए था जो उसे फिर से जीवन दे सके। दशक घाट पर जो गोदावरी मरती भी दिख रही थी, जैसा लग रहा था कि जिंदगी की हर बूंद उससे निचोड़ ली गई है, वो यहाँ पर आकर एक बार फिर से जिंदगी से भरपूर नजर आ रही है। पीछे डैम है जिसमें तीन सहायक नदियों का पानी मिलता है। यह नदी बहुत चौड़ी है और नदी के बीचों बीच एक मंदिर नजर आ रहा था। पहुंचने पर पता चला ये मध्यमेश्वर मंदिर है जो नदी के बीच में बना है और कई सालों से गोदावरी की धारा और परंपरा से जुड़ा है। पहले यहां रेशम का धागा बनता है, फिर उन्हें लपेटा जाता है। उसके बाद कई महीनों की मेहनत के बाद साड़ी तैयार होती है। इसको बनाने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं।